आपके साथ शेख जोया, राजस्थान के भीलवाड़ा जिले की मांडलगढ़ विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के विधायक रहे विवेक धाकड़ ने आत्महत्या कर ली। धाकड़ ने गुरुवार सुबह अपने हाथ की नसें काटकर खुद की जान दे दी। आत्महत्या से पहले विवेक धाकड़ ने एक सुसाइड नोट भी लिखा है। बता दें कि पूर्व विधायक विवेक धाकड़ के पिता इंजीनियर कन्हैयालाल धाकड़ भी भीलवाड़ा जिला परिषद के जिला प्रमुख रह चुके हैं। विवेक धाकड़ की पत्नी सरकारी सेवा में और उनकी एक बेटी भी है। कांग्रेस नेता की सुसाइड को लेकर भीलवाड़ा शहर के सुभाष नगर थाना प्रभारी शिवराज गुर्जर ने कहा कि आज सुबह हमें जानकारी मिली कि पूर्व विधायक विवेक धाकड़ ने सुसाइड कर लिया और उसके शव हॉस्पिटल मोर्चरी में रखा हुआ है। इस सूचना पर हम अस्पताल पहुंचे। फिर हम जब पूर्व विधायक विवेक धाकड़ के निवास पर गए तो वहां जिस कमरे में उन्होंने सुसाइड किया उसकी तलाशी ली। इस दौरान हमें एक सुसाइड नोट मिला है। सुसाइड नोट में जो तथ्य थे उसकी हम विस्तारित जांच करेंगे। पूर्व विधायक विवेक धाकड़ ने अपने सुसाइड नोट में पापा, दीदी, अपनी बेटी शिफाली और समस्त सहयोगी व समर्थकों से माफी मांगते हुए अपने अंगदान करने की इच्छा जताई है। पूर्व विधायक ने अपने सुसाइड नोट में लिखा, मैं नहीं कहता कि मैं पूर्ण पर दूसरों से बेहतर रहकर सेवा करने का भाव का अंश पाले हूँ। मेरी स्थिति का कारण वे लोग हैं जिन्होंने मेरे इस दिल का भाव का उपभोग उपयोग शोषण की दृष्टि से जानते हुए किया है। उन सभी का धन्यवाद एवं आभार। मैं उन सभी को कोई संस्कारी के न्यायिक सजन नहीं दिलवाना चाहता हूँ। पूर्व विधायक विवेक धाकड़ ने अपने सुसाइड नोट में अपनी सारी संपत्ति का हकदार भी अपने पिता को ही बताया। उन्होंने अपने सहयोगियों, समर्थकों और मित्रों से दिल से माफी भी मांगी है। विवेक ने लिखा, आप अथक प्रयासों के बाद भी मैं अपने आप और आपकी शुभकामनाओं के बावजूद ऐसा करने को मजबूर हो गया। मैं चाहता हूं कि मेरा शोषण एक कष्ट देने वाली मुझे लकड़ी और संवेदना नहीं दे, मेरी कोई स्मृति शेष न रखे। दुआ करें यदि अगला जन्म हो तो बहुत अच्छा हो या मुक्त हो, प्राप्त होकर मुक्त हो जाऊं। थाना प्रभारी शिवराज गुर्जर ने बताया कि प्रथम दृश्य ग्रह कलेश का मामला ही लगता है। पूर्व विधायक विवेक धाकड़ ने आत्महत्या के लिए अपने कमरे में ब्लेड से अपने दोनों हाथों की कलाई की नसें काट ली थी और इससे पहले फांसी लगाने का प्रयास भी किया था। महामंडलगढ़ क्षेत्र के पूर्व विधायक विवेक धाकड़ को बिजोलिया क्षेत्र में स्थित धाकड़ विघपीठ में हजारों लोगों के नम आंखों से विवेक की पृथ्वी देह पर पुष्प अर्पित करते हुए श्रद्धांजलि दी। इस दौरान मंडलगढ़ सहित भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ जिले के काफी संख्या में उनके प्रशंसक व राजनेता भी मौजूद रहे। वहीं परिवार के सूत्रों की माने तो विवेक की एक दिन पहले भी बहन और अपनी पत्नी से बहस हुई थी। इसी ग्रह कलेश के चलते बुधवार को उन्होंने हाथ की नसें काट ली और दूसरे रूम में चले गए। बताया जा रहा है कि रूम में आने के बाद विवेक ने एक साफे से पंखे पर फंदा बांधकर अपनी जान देने का भी प्रयास किया लेकिन वह नीचे गिर पड़े। सुबह करीब 8:30 बजे जब वह अपने कमरे से बाहर नहीं आए तो पत्नी उठाने पहुंची। विवेक फर्श पर अचेत पड़े थे और काफी खून बह चुका था। इसके बाद पड़ोस में रहने वाले मेडिकल बिजनेस को बुलाया और महात्मा गांधी हॉस्पिटल ले गए जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इस खबर पर आपकी क्या राय है, आपके क्या विचार है, हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। बने रहें ऐसे तमाम और खबरों के लिए द फैक्ट इंडिया के साथ। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।